दोस्तों बैसो या व्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कोटला मुबारकपुर में होलिका दहन का प्रोग्राम दिखा रहे हैं, जिसमें मेरे साथी आजाद जी और राजेश बैसोया जी सहयोग कर रहे हैं। देखें आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी होलिका दहन हो चुका है, आग लगा दी गई है, गर्म हो गया है माहौल, गर्मी बहुत लग रही है, तो मैं इतना पास नहीं जा पा रहा हूँ। मैं आपको यहीं से दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसा माहौल है। देखिए दोस्तों सामने होलिका जल रही है। पहले में जो है भाई होली दहन होती थी, उसमें गाँव के सब इकट्ठे होते थे, नगारा बजाते थे, गाना पीना होता था, सब कुछ करते थे खूब, और सब चौपाल के ऊपर सब जनानियाँ आदमी सब जो है होली खेलते थे। और जैसे जैसे जो है ये चेंज होता गया, वैसे वैसे ही सारा सिस्टम अब बंद होता चला गया। ये सारा सिस्टम अब ख़त्म हो गया। होली अब भी जला दान करते हैं, पर जो पहले था आनंद वो अब नहीं है। अरे बहुत बढ़िया था जी, पहले बहुत ही बढ़िया था, बहुत सारे त्यौहार बहुत बढ़िया होते थे पहले तो। अब तो सब जैसे जैसे वो होता जा रहा, जनरेशन होती जा रही है चेंज, वैसे ही सब खत्म होता जा रहा, अब नाम के लिए रह गए सब। होली पूरे महीने चलती थी, फागुन के पूरे महीने होली चलती थी, पूरे महीने शाम को चौपाल पे जो है नजारा बच्चा था, गाने होते थे, भजन होते थे, सब होता था। आस्ते आस्ते सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं है। अच्छा होली क्या कम होती जा रही है, सारे ही त्यौहार कम होते जा रहे हैं, जो पहले थे अब नहीं है बिल्कुल भी, ना के बराबर है अब सब। जो हमारी संस्कृति है, जो पुराना है, वो सब चलता रहना चाहिए। जो हमारी जनरेशन छोटी है उनको सबको पता चले भाई पहले ऐसे होता था। आजकल के हमारे जनरेशन को पता ही नहीं है कुछ भी, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कैसे त्यौहार मनाया जाता है, क्या होता, सब खत्म हो गया अब। साथ हमारे भाई साहब सुरेंद्र बैसला जी, ये आपको इसके बारे में बताएंगे होलिका दहन कब से हो रहा है। कोटला क्षेत्र में ये हमारे सांसद पार्क में काफ़ी सालों से होलिका दहन किया जा रहा है। होलिका तैयार करने के लिए सब गांव के अड़ोस पड़ोस के बच्चे सब इकट्ठा करके पेड़ों के झाड़ वाड़ इकट्ठा करते हैं, और घरों में जो फालतू जैसे लकड़ी वगैरह पड़ी होती है उनको भी होलिका में लगाया जाता है। ब्राह्मण के द्वारा एक समय निकाला जाता है, आज 7:30 बजे का समय था, तो ब्राह्मण ने इनको अग्निदान किया। सभी भाइयों को राम राम। मैं अलीगंज कोटला मुबारकपुर से प्रताप सिंह बैसोया और बल्ली भाई। हम होली का प्रोग्राम ऐसे ही मनाते हैं हर साल, एक हफ्ता हमारी चलती है बम वगैरह होली से 2-3 दिन पहले, होली के 2-3 दिन बाद तक, और बड़ा भजन वजन सब हम गाते हैं, भजन वगैरह सारे होते हैं हमारे यहाँ। मेरा नाम धर्म बैसोया, मैं अलीगंज गांव से हूँ, अलीगंज कोटला मुबारकपुर से। मैं होली के सब भाइयों को सबको शुभकामना देता हूँ। हमारे अलीगंज गांव में बरसों से रीति चली आ रही है कि हमारे नगारा बजता है, गोलियाँ होती है, फिर रागड़ियाँ होती हैं, काफ़ी दिन से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। इससे हमने गाँव से लगते हमारे नगारे बंद बजते लगते हैं, तो लगाने के उसके बाद भी चलता रहता है, फिर काफ़ी दिन से प्रोग्राम चल रहा था, इससे थोड़ा हमारी संस्कृति की पहचान बनती थी। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, मैं जय बसोया अलीगंज गांव से। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पे हर साल एक बहुत अच्छा उत्सव मनाया जाता है होली का, जिसमें हम नगाड़ा बजाते हैं और गीत भजन गाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कैसे हमारे यहाँ नगाड़ा बजता है और कैसे हमारे यहाँ उत्सव बनता है। धन्यवाद।